जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मजेदार पोटैटो रोल्स। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बाहर हॉर्न बज गया आज भाई, स्टार्ट ही हमारा हॉर्न से हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैदा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। उसके अंदर हम डालेंगे 4 टीस्पून तकरीबन हमने डालने हैं घी के। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड ये 4 डाल रही हूँ, ठीक है। तो और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून यानी एक चुटकी तकरीबन ऐसे करके कलौंजी। बस अब हमने इसको मिक्स करना है, बहुत आसान और बड़ी मज़े की और जल्दी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे बस जी हमने इसको हल्का सा मिक्स किया, ठीक है जी। ये देखें हल्का हल्का मिक्स करना है हमने इसको। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको गूंद लेना है नॉर्मल टैप के पानी से, मतलब हमने कोई नीम गर्म या ठंडा या कुछ इस तरह पानी नहीं लेना। तो बस अब हमने इसको इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी है। तो बस अब हम इसको डो को नीट करती हूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए डो मैंने यहाँ पर जो है वो गूंद ली है। अब हमने इसको देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको दोबारा से नीट करेंगे। तो चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो अब हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है, यानी आलुओं का जो हमने बैटर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बटर का। तो जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो साथ ही हमने इसके अंदर छोटा सा एक मुन्ना सा प्याज लिया, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, जस्ट छोटा सा, मीडियम भी नहीं, स्मॉल साइज का प्याज। और उसको हमने हल्का सा इसके अंदर सौते करना है। बस बिल्कुल हल्का सा हमने इसके अंदर इसको सौते करेंगे। तो अब हमने इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिए थे 1/2 किलो आलू, तो बस 1/2 किलो लेके उसको बॉईल करके मैश कर लिया है मैंने। तो ये अब इसके अंदर जाएंगे। फ्लेम जो है इस टाइम हमने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल इसको कुक नहीं करना है। तो बस हमने इसको हल्का सा इसके अंदर कुक करना है। अब इसके अंदर हम अपने थोड़े से मसाले डालते हैं, मसालों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डालना है नमक, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 से भी कम, मतलब 1/4 हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और लाल मिर्चें कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर 1 पिंच हल्दी डालेंगे, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर चीज़ें भी बहुत कम डालूंगी। तो हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर। हम इसके अंदर डालेंगे जी 1/4 गरम मसाले का पाउडर और हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और फाइनल हमने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून बस, ज़्यादा नहीं, और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर डालना है रेड चिल्ली सॉस। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के फ्रेश इसके अंदर डाल दिया है। आज मेरे पास जो है वो फ्रीज में नहीं था, फ्रेश था, वरना ज्यादातर मैं फ्रेश नहीं डालती, फ्रीज ही डालती हूँ। तो चले देखिए, बिल्कुल मैंने फ्लेम हल्के से फ्लेम पे इसको फ्राई किया, बहुत हल्के पे, क्योंकि ऑलरेडी आलू गले हुए होते हैं, सब कुछ मटेरियल रेडी होता है, प्याज हमने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं होते, बस हल्का सा उनको बटर में सॉटे किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर का इसके अंदर। तो ये देखें जी हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको ठंडा करने के लिए उतार लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने मैदा डस्ट कर लिया है, अब अपना हम जो हमने डो बनाई थी वो उठाई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो रेडी हुई है। अब हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। ये देखें 1/2 पार्ट इसको रख देंगे, 1/2 पार्ट का पेड़ा बना लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखें, सॉरी गूंद ले कह रही हूँ, बेल लेंगे इसको अच्छे से। जितनी बड़ी रोटी बनती है और जितनी बारीक बनती है हमने उतनी ये बेल लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी चौड़ी चौड़ी सी स्ट्रिप्स काटनी है। जितना रोल आप बनाना चाहते हैं आप उतनी चौड़ी स्ट्रिप्स काट लें।
तो यहाँ पर इस तरह से, और ये बनेंगी तकरीबन दो दो रोल स्ट्रिप्स। तो ये जो साइड्स वाले हैं इसको मैं उठा दूंगी, क्योंकि ये हम दोबारा नीट इसको गूंदेंगे और दोबारा इसको बेलेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हाथों में ये हमारा बैटर है, अब हमने ऑयल लेना है हल्का सा हाथों में, और छोटी छोटी से इसके बॉल्स बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना जिस हिसाब से हमारा ये है उस हिसाब से ही हमने अपनी बॉल बनानी है। इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। अभी हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो बस अब हमने इसको उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल लगा लें, पानी लगा लें, कुछ भी लगा के इसको रोल अप कर लें इस तरह से। ये देखिए रोल हो गया इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रोल हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, उसमें खुश्क मैदा छिड़कना है, उसके बाद हमने उसके अंदर इसको रखना है। ऐसे डायरेक्टली नहीं रखेंगे, क्योंकि जब ये मैदा होता है ना, ये जो थोड़ा हमने गूंदा हुआ होता है तो ये थोड़ा पानी छोड़ता है, तो हमने इसको इस तरह से रखना है। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाया जी, आप कमेंट्री कर लें पीछे से। तो ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हमने इस तरह से बनाया। तो ये हमने इसको हमने यूं रखा, हल्का सा ऑयल ही मैं लगा रही हूँ जस्ट उसको बाइंड करने के लिए। तो हमने इस तरह से इसको रोल अप करना है। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया, और अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे रोल्स बना लिए हैं। अब हमने इसका बैटर रेडी करना है। तो बैटर रेडी करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक अदद प्याला, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन, मुझे लगेंगे 2 टेबलस्पून भर के ऐसे मैदा। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक, जस्ट पिंच, ये देखिए इतना। और अब हमने इसको करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून में डालना है, 1 टेबलस्पून से भर के नहीं डालेंगे, लेकिन 1 टेबलस्पून तकरीबन इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। तो अब हमने इसको पतला सा इसका एक बैटर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे इतना कि इसकी बस इसके ऊपर हल्की हल्की कोटिंग हमने करनी है। तो ये जो है इतना पानी, और मैं इसको मिक्स करती हूँ। अभी ये बहुत गाढ़ी है, अभी हमने इसको मज़ीद पतला करना है। तो यहाँ पर ये लम्स पैदा कर रही है, ठहरे मैं 1 मिनट विस्क से करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से होगा। तो बस ये आज जो है ना, वो बच्चे मेरे जो हैं वो आज मामा के साथ कमेंट्री कर रहे हैं पीछे खड़े होकर, कि आज मामा जो बना रही हैं आज हम भी ज़रा, बस देखें इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इसको कोटिंग अच्छे से हो जाए, लम्स ना हो इसमें। चले अभी उनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम हमने रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, ये देखें इस तरह से एक बैटर में इस तरह से एक डाला, इसको डिप किया, और हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, एक्सेस हमने बिल्कुल रिमूव कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं है, लेकिन ठीक है, वो देखिए बबल्स बन रहे हैं। बस अब हमने इस तरह से जितने भी इसके अंदर आते हैं हमने उतने इसके अंदर डाल देने हैं। यहाँ पर मैं बारी बारी डालती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतने डाले हैं, अभी ये पक रहे हैं, अभी हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। थोड़ी देर के लिए हम इनको ऐसे ही रहने दें, तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह पकने देंगे, और उसके बाद हम इसको साइड को टर्न करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तभी इनको मैं टर्न कर रही हूँ बहुत ही आहिस्ता हाथों से, बस ऐसे इस तरह से हल्के से हाथों से हमने इनको टर्न करना है। अभी हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम लो के ऊपर है, तो अब हम इसको मीडियम लो पर ही फिलहाल इसको कुक करेंगे। उसी साइड से भी फिर हम लोग चूल्हा तेज़ करके इसको कलर देंगे। कुक्ड होती हैं ऐसे, हमने पट्टियाँ कुक करनी होती हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं। तो बस अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करते हैं ताकि इनको कलर भी आ जाए और अंदर अच्छे से कुक भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इनको इतना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया, बहुत प्यारा लाइट। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको लाइट कलर देना चाहते हैं या डार्क कलर देना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर देके तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो रोल्स। ये देखें कितने मज़े के, क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची ये बने हैं, बहुत मज़े के हैं। आप भी बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। तो यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी से मैंने बना ली हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको भी जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाने होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह को नई रेसिपी के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।